इस दुनिया में ऐसे कई सारे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने नाम कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराए, चाहे वो साइंस फील्ड हो, चाहे वो आर्ट्स का फील्ड हो या फिर स्पोर्ट्स का। पर कहा जाता है कि रिकॉर्ड तो बनते ही हैं टूटने के लिए, पर क्रिकेट के कुछ ऐसे रिकॉर्ड जिन्हें अब तक कोई नहीं तोड़ पाया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यूली अपडेटेड वीडियोस। तो नज़र डालें हमारे पहले रिकॉर्ड पर, सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर में साल 1992 से लेकर साल 2011 तक कुल 6 वर्ल्ड कप खेला है, जो कि किसी भी खिलाड़ी से काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही उन्होंने अपने पूरे वर्ल्ड कप के करियर में कुल 2,278 रन बनाकर वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम रखा है। अगर बात करें एक मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने की, तो न्यूजीलैंड के ओपनर बैट्समैन मार्टिन गप्टिल ने 2015 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 237 रन की धुएंदार पारी खेली थी। तीसरा रिकॉर्ड वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल और मार्लोन सैम्यूल्स के नाम हैं, जिन्होंने 2015 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 372 रन की पार्टनरशिप की थी, जो कि वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। चौथा रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप 2003 में 673 रन बनाया था, जो कि किसी भी खिलाड़ी के द्वारा एक वर्ल्ड कप में बनाया हुआ सबसे ज़्यादा रन है। पांचवा रिकॉर्ड इंडिया के सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा के नाम, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप के पूरे करियर में सबसे ज़्यादा 6 सेंचुरी लगाई है। छठवां रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम, जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप 2019 में कुल 5 सेंचुरीज लगाई थी। सातवां रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ग्लेन मैक्रेथ के नाम, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप के पूरे करियर में कुल 71 विकेट लिए हैं। आठवां रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क के नाम, जिन्होंने एक ही वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में 2019 में कुल 27 विकेट अपने नाम किया था। नौवां रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप करियर में कुल 28 कैच पकड़ी है। दसवां रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 2015 में अब तक के वर्ल्ड कप का सबसे हाईएस्ट स्कोर 6 विकेट खोकर 417 रन बनाए थे। ग्यारहवां रिकॉर्ड कनाडा के नाम, जिसने 2003 में श्रीलंका के खिलाफ मात्र 36 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे। बारहवां रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम, जिसने अब तक के वर्ल्ड कप में कुल 94 मैच खेले हैं और 69 मैचों में अपनी जीत दर्ज करी है। तेरहवां रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम, जिसने लगातार 27 मैच अपने नाम जीत दर्ज करी है। चौदहवां रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम, जिसने 1999 से 2007 तक लगातार 3 वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें 2 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने रिकी पॉन्टिंग के कप्तानी में जीता है। और इसी के साथ रिकी पॉन्टिंग एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने अपने कंट्री को 2 वर्ल्ड कप जिताया है। पंद्रहवां रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग के नाम, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप के करियर में सबसे ज़्यादा 46 मैच खेले हैं। तो कैसे लगे आपको इनके ये रिकॉर्ड, कमेंट कर ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।